छात्र जीवन का समय भविष्य बनाने का है सुनहरा मौका, कहा पुलिस उपाधीक्षक ने। ग्रीष्मावकाश के पहले छात्रावास के छात्रों को दिए गए पढ़ाई के टिप्स। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई के शांति नगर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों को संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक सदर संतोष कुमार सिंह ने कहा, छात्र जीवन सबसे सुनहरा अवसर है भविष्य बनाने का। उन्होंने कहा, छात्र जीवन हो फिर छात्र आवास में रहना हो, समझो सबसे सुंदर अवसर आपको मिला है। ये समय आपने शरारत, सोने और उत्पात करने में बिता दिया तो समझो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने IAS, IPS, PSS, PPS की तैयारी करने की भी टिप्स विद्यार्थियों को दी। मंचस्थ रहे हिंदुस्तान न्यूज 24 के मंडल प्रभारी ओम प्रकाश उदैनिया, छात्रावास अधीक्षक मनोज तिवारी, अतिथियों का तिलक कर स्वागत किया सुबोध तामरे ने। मैं गलती नहीं कर रही, और अगर गलती आपने कर भी दी तो उत्तर देने का तरीका होगा। आप एरोगेंट बनकर उत्तर नहीं दे सकते, जो करना है कर लो, अगर पुलिस वाले पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। हमने तो उनसे स्पष्ट कहा कि जिस तरह से ये बदतमीजी किया है, सिर्फ एक मुकदमा लिखने पर इसकी पूरी कैरियर खत्म हो जाएगी। अगर आपको यही अच्छा लगता है तो ठीक है। मैंने कहा उसके माँ बाप को भेजो थाने में, पहले मैं उनसे बात करूँगा। तो उसके बाबा आए थे, हमने कहा अगर बेटे को भविष्य में बीजेपी सरकार रही तो अपराधियों को अभी मारा गया है कुछ और मारे जाए, तो कल ये भी 19 श्रेणी में शामिल होगा और कोई पुलिस वाला आराम से गोली ठोक। तो इसकी मेंटेलिटी को तो महाकाल ग्रुप भी चलता है उरई में, है ना, उसी महाकाल ग्रुप का सदस्य था। एक तो मुझे वैसे भी कुछ गुस्सा थी महाकाल ग्रुप से, महाकाल से मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन महाकाल ग्रुप से जरूर टेंशन है मुझे। हाँ वैसा है, ये बच्चे अपराधी टाइप के हैं, एकदम मनबढ़ टाइप के हैं, और जैसे होता नहीं कि कुत्ते भी कभी कभी जो है शेर का शिकार कर लेते हैं, तो ये उन्हीं कैटेगरी में आते हैं। कोई एक बच्चा मान लो झगड़ा कर लिया, उसको 10 बच्चे पीटने लगे तो हो सकता है वो मर सकता है बच्चा। वो तो ये बच्चे उस मेंटेलिटी के, झुंड वाली मेंटेलिटी के। अब इनके रोकने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं, आपका गार्जियन है, परिवार है, समाज है, स्कूल है, और जब ये सारे फेल हो जाते हैं तब हम लोग चौराहे खड़े होते हैं तो हमसे भी लगा। अब हम लोग भी ना कुछ करें, सिर्फ वरिष्ठ नेताओं के फोन को सुन करके हम हर काम कर ले, तब तो ये कल को हमारे सीने पे मूंग धरेंगे। अरे इसमें हमसे कोई कमजोर बच्चा थोड़ा बैठा हुआ है, हमसे मजबूत हो। अब कल को अगर यही मजबूती तुम्हारी गलत दिशा में चली गई तो रावण बन जाओगे, फिर हम ही को पटक के मारोगे सब। तो अगर हम ही को मारोगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर आप किसी गलत स्थिति में फंसते हो तो सबसे किसको याद करते हो? अब भूत आ जाए तो हनुमान जी को याद करते हो? तुरंत सलाह शुरू हो गया हनुमान चालीसा। तो पुलिस आज भी आपके लिए कारगर है, ज़रूरत है कि पुलिस को समझने की। हम भी इंसानी होते हैं, अलग ग्रह से नहीं आते, हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, हमारा भी परिवार होता है, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे भी नातेदार होते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं। आप होता नहीं जैसे चौकीदार आपने रख लिया, चौकीदार से काम कैसे लेना है ये आप तय करोगे, चौकीदार अपने मन से काम नहीं कर सकता। पुलिस वाला मैं हूँ तो एक नियम कानून बना दिया गया सभी लोगों के राय से, मुझे उसके अनुसार काम करना है। कोई नई चीज़ है तो वो आप हमें बताओ। तो अल्टीमेटली अपने इस सुंदर भविष्य को आपको बनाने का अभी अवसर है, भटकने की जरूरत नहीं है, भटकाव बहुत आएंगे, आपके मन में अभी इतनी अच्छी सोच नहीं है, इतना अच्छा आप नहीं सोच सकते हो। उन चीज़ों को और उन वस्तुओं से हमेशा दूर अपने आप को रखो जिसके बारे में आपको समझ नहीं है और जो आपकी ज़रूरत में नहीं आती है।